हेलो एवरीवन, मैं ममता चौरसिया और आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर। आज हम इसको बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही आसानी से इसको आप घर पे बना सकते हैं। पनीर की रेसिपी तो सभी को बहुत ही पसंद आती है, तो चलिए इस कढ़ाई पनीर को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 500 ग्राम पनीर लेना है और इसके स्क्वायर के पीसेस ऐसे कर लेने हैं। और ये मैंने दो प्याज लिए, उसको स्मॉल चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च यूज की है और उसके भी ऐसे स्क्वायर के पीसेस काट लेने हैं। और दो प्याज के मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर के पीसेस ऐसे आपको काट लेने हैं। तो चलिए अब हम इसका तड़का लगाते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा उसके अंदर हम जो स्क्वायर के पीसेस में हमने ऑनियन के पीसेस काट के रखे थे उसको ऐड करेंगे और साथ में हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। और इसको हमें बहुत ही हल्का और लाइटली इसको हमें सौते करना है। बहुत ही जैसे ये ट्रांसपेरेंट कलर होने लग जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं हल्का ट्रांसपेरेंट कलर इसमें आने लग गया था और हल्का गोल्डन कलर भी इसमें आ रहा है प्याज में। तो मैंने ये दोनों चीजें कढ़ाई में से अब निकाल लेनी है और बचे हुए ऑयल का हम फिर से यूज करेंगे। तो अब हम इसके अंदर हम जितने भी पनीर के टुकड़े थे उसको फ्राई करेंगे। तो सारे पनीर को अब मैंने ऐड कर दिया है। तो इसका भी बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर इसका जो एक साइड आ जाएगा तो उसको अब हम टर्न कर देंगे। तो सारे पनीर का आप देख सकते हैं ऐसे हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। तो उसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो सारे पनीर को अब हमें टर्न कर लेना है। कई लोग इसके अंदर कच्चा पनीर भी डालते हैं तो आप कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं बाद में। तो ये देखिए पनीर हल्का लाइट गोल्डन हो गया है। तो इसको मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूंगी। आप देख रहे हैं अभी भी तेल इसके अंदर बचा हुआ है और इस बचे हुए तेल में हम फिर से अब डालेंगे एक मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची, इसको क्रश कर लिया है। थोड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाला है। तो इसको हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो हमें इस प्याज को हल्का सा सौते करना है यानी कि हल्का गोल्डन कलर आने देंगे। अब जितनी भी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे उस सब की हमको प्यूरी बनानी है। तो प्याज का देखिए हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 3 कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से चला लेते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए मैंने पेस्ट को भी ऐड कर दिया है। और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसके अंदर 2 से 3 ग्रीन चिली ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अब हम इसको ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये बिल्कुल इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 2 छोटे चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर। आप देसी मिर्च का पाउडर यूज करेगा, बहुत ही अच्छा उससे कलर आता है। तो इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक इन मसालों को फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्यूरी तैयार करके रखी थी प्याज और टमाटर की, उसको ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भूनना है। तब हम साथ में ही इसके अंदर और मसाले भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मैं इसके में डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1/2 ही चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। तो देखिए मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इन मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। और इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देती हूँ 4 से 5 मिनट के बाद। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मसाला अच्छे से भून रहा है। और देखिए जब ऐसे आपका मसाला इकट्ठा होने लग जाएगा कढ़ाई में तो इसका मतलब आपके मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो ये निशानी होती है कि अच्छा मसाला अगर भून जाए तो मसाला ऐसे इकट्ठा होने लगता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पनीर, सारा पनीर हमने इसमें ऐड कर दिया है और साथ में ही फ्राई की हुई प्याज और शिमला मिर्च को भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों के साथ पनीर
प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके साथ ऐड कर देंगे लगभग 1 गिलास पानी, ताकि जो भी हमारी सब्जी बने उसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रहे। तो 1 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसको कवर करके रख देंगे करीब 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है और सब्जी भी कितनी अच्छी और कलरफुल है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब सर्व कर लिया है, इसको आप नान, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।